Hello friends, welcome to Exergy. In the last lecture, we have discussed about the topic steady flow energy equation that belongs to first law of thermodynamics. In the today's lecture, we are going to start one of the most important and the major topic, that is second law of thermodynamics. So today we will focus on the following topics. First, second law of thermodynamics. Second, high and low grades of energy. Third, thermal energy reservoirs. And the last, PMM2, that is perpetual motion machine of second kind. So let us begin with the second law of thermodynamics. So guys, second law of thermodynamics ki padhne se pehle humne pehle padha tha first law of thermodynamics, jo ki batata tha conservation of energy, jis tarah humne equation padhi thi. Heat, total heat input is equivalent to summation of the work transfer and the internal energy. वो हमारा जो first law of thermodynamics है वो हमारा था quantitative law, जबकि हमारा जो second law of thermodynamics है ये हमारा qualitative law. So why this law is qualitative? We should know. For this we should know that what is second law of thermodynamics. तो पहले इसकी definition पढ़ते हैं. इसकी definition क्या है? According to this law, low grade of energy cannot be converted into high grade of energy completely. मतलब जितनी हमारी energy है जो कि low grade की है उसको हम completely high grade of energy में convert नहीं कर सकते 100%, ऐसा नहीं हो सकते हैं. तो इस definition को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से इसको go through होने के लिए, we should know the difference between the low grade of energy and the high grade of energy. तो low grade of energy हमारी क्या है? जितनी हमारी unorganized form of energy है. अनऑर्गेनाइज मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, या मैं कहूँ जो उनकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो मेरी लो ग्रेड ऑफ एनर्जी है. तो वो क्या है? वो हमारी हीट है. हीट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज़ लो ग्रेड ऑफ एनर्जी. अब अगर मैं बात करूँ हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी की, तो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, जैसे कि ऑर्गेनाइज मतलब क्या, जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, डायरेक्शनल है, वो हमारे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो क्या है? वो हमारा वर्क है. वर्क ट्रांसफर इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. तो हाई ग्रेड क्या है हमारा? हाई ग्रेड है हमारा वर्क ट्रांसफर. तो अब इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं. अब आपको अच्छे से समझ आ गया है क्या इसका मतलब. लो ग्रेड ऑफ एनर्जी मतलब जो भी हमारी हीट इनपुट है कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इंटू हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी. मतलब जो भी हमारा हीट इनपुट है वो कम्प्लीटली 100% वर्क ट्रांसफर में कन्वर्ट नहीं होता है. कुछ ना कुछ उसमें लॉसेज होते हैं. वो लॉसेज क्या हैं? वो लॉस हमारे लाइक फ्रिक्शन लॉस है. तो ये लॉ बस ये बताता है कि जो भी हमारा हीट इनपुट है इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी कम्प्लीटली. वो कम्प्लीटली वर्क ट्रांसफर में नहीं होगा, 100% नहीं वर्क ट्रांसफर होगा. सो उसका कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा. ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब जो कि वर्क है ये डायरेक्शनल है और ये हमें डायरेक्शन भी बताता है लॉ कि किस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है. तो इस लॉ को हम कहते हैं डायरेक्शनल लॉ. मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको मैं कह सकता हूँ ये एक तो क्वालिटेटिव लॉ है और सेकंड ये हमारा डायरेक्शनल लॉ भी है. तो इट्स ऑल अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्मल एनर्जी रिजर्वर्स. सो रिजर्वर्स क्या होते हैं? रिजर्वर्स मतलब जहाँ पे भी हम रिजर्वर, जैसे कि जहाँ पे हम अपनी चीज़ रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, हमारे रिजर्वर्स हैं. और थर्मल एनर्जी यहाँ पे क्या रिजेंबल कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ये रिलेट कर रहे हैं टर्म हीट को. थर्मल एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है. तो थर्मल एनर्जी रिजर्वर TER. तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सोर्स और दूसरा होता है सिंक. सोर्स मतलब क्या? जो कि हाईली अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देता है, वो हमारा सोर्स है. और सिंक क्या है? जो हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेता है, रिसीव करता है, वो हमारा सिंक है. तो सोर्स व्हाट आई कैन से इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड सिंक इट रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. नाउ फर्दर अब जो सोर्स और सिंक है ये भी आगे दो टॉपिक में आगे कैटेगराइज है. अब जो सोर्स है ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, जो सोर्स है वो हीट दे रहा है और जो सिंक है वो हीट रिसीव कर रहा है. अब जो सोर्स है ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. सोर्स के जो टाइप है पहला है इन्फिनाइट सोर्स और जो सेकंड है वो है फाइनाइट सोर्स. अब इन्फिनाइट सोर्स मतलब क्या है? इन्फिनाइट सोर्स मतलब कि जहाँ से हमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिले. मतलब जो सोर्स है वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देता है विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज. उसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. फॉर एन एग्जाम्पल हमारा सन है. सन से आप जितनी मर्जी हीट ले लें, आप सोलर पैनल लगाते हैं, आप सोलर इतनी सारी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं सोलर, तो क्योंकि उसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी आप ले रहे हैं अपने पैनल में, रिसीव कर रहे हैं उससे,
और इलेक्ट्रिसिटी उसको आगे फर्दर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा इन्फिनाइट सोर्स है जो हमारा सन है। अब अगर बात करें फाइनाइट सोर्स की, तो मतलब कि क्या इसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज अगर होता है, लिमिटेड सोर्स है ये। फॉर एन एग्जाम्पल हमारा 1 kg सपोज कुछ अमाउंट है, 1 kg ऑफ रेड हॉट मेटल है, तो ये जब तक ही हमें हीट देगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए एटमॉस्फेयर के साथ। जैसे ही ये हमारा जो रेड हॉट मेटल है 1 kg का, जैसे ही इक्विलिब्रियम में आएगा टेम्परेचर के साथ, इनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा और आपको हीट नहीं मिलेगी। तो ये खाली फाइनाइट है, लिमिटेड है, तो ये फाइनाइट सोर्स है। अब बात करते हैं सिंक की। अब सिंक क्या होता है, सिंक जो कि रिसीव करता है हीट एनर्जी को, इसके भी दो टाइप है सिमिलरली, इन्फिनाइट सिंक और फाइनाइट सिंक। अब इन्फिनाइट सिंक क्या होता है, जो कि अनलिमिटेड हीट एनर्जी को रिसीव कर सकता है विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज। इसमें टेम्परेचर चेंज कुछ नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल अब आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे कि कितने भी इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन निकलता है सब एब्जॉर्ब हो जाता है, अनलिमिटेड सिंक है, इन्फिनाइट सिंक है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इन्फिनाइट सिंक की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब जो फाइनाइट सिंक है इसका मतलब कुछ लिमिटेड, कुछ लिमिटेड इसके अंदर रिसीव करने के इसके अंदर वो है, कैलिबर है, ये फाइनाइट है, लिमिटेड है। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हैं बॉल विद वाटर ऑन विच हॉट मिल्क इज प्लेस्ड। मतलब एक बॉल है जो कि वाटर से भरा हुआ है, उसके अंदर आपने हॉट मिल्क रख दिया है। अब हॉट मिल्क कब तक, जब तक वो ठंडा ना हो जाए, मतलब अपनी हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वाटर बॉल को। अब जैसे ही वाटर बॉल गर्म हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो वो और रिसीव नहीं कर सकता। तो मतलब ये फाइनाइट है, फाइनाइट सिंक है, लिमिटेड वो एनर्जी हीट ले सकता है, रिसीव कर सकता है। तो ये थे हमारे थर्मल एनर्जी रिजर्वर्स। अब एक नोट है, नोट पढ़ते हैं। नोट क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसर्न ओनली विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेयर एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस थ्रू द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो तो खाली आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है कि जितनी आपने हीट इनपुट दी कुछ हमारा वर्क में लग गया, कुछ इंटरनल एनर्जी हो गई, तो वो इक्विवेलेंट हो गए। लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये डायरेक्शन देता है, और वो किसकी प्रोसेस की डायरेक्शन देता है, किसकी हेल्प से, ये हमारा कंसेप्ट यूज होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज अ बिग थिंग, ये हम आगे वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा एंट्रोपी क्या होता है। तो एक नोट था आपको याद रखने के लिए, रिविजन के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज PMM2, दैट इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। अब ये क्या बताता है, ये पहले मैं बता दूँ ये डिवाइस इम्पॉसिबल है, आइडियल के साथ हो ही नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा PMM2 होता क्या है, व्हाट इज PMM2। तो ये कहता क्या है, ये कहता है पहले इसकी डेफिनेशन देख लो आप। इफ द इंजन एक्सचेंज हीट ओनली सिंगल थर्मल रिजर्वर इन विच हीट इज सप्लाइड इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क एंड इट्स एफिशिएंसी बिकम्स 100%। वाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो PMM2 है ये कुछ एक सोर्स है, जो हमारे यहाँ पे PMM2 एक मशीन है, वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेगा और उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देगा वर्क ट्रांसफर में। अब आप खुद बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कुछ हीट ली और अब उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट कर रहे हो वर्क ट्रांसफर में। ये तो हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेट कर दिया इसने। तो ऐसा कैसे भी कि इसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट ली और विदाउट कुछ फ्रिक्शन लॉस हुआ ही नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं है, और आइडियली उसने सारा का सारा वर्क ट्रांसफर कन्वर्ट कर दिया। तो ये डिवाइस इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दिस इज़ द वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो PMM2 इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ये आइडियल केस है खाली, ये PMM2 है, आइडियल डिवाइस है। तो ये था PMM2 के बारे में। तो गाइस आज की थी वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हमने सीखा कि थर्मल एनर्जी रिजर्वर्स कैसे होते हैं, उसके सोर्सेस इनके टाइप्स क्या होते हैं, हमने सीखा कि PMM2 क्या होता है। तो ये था आज की वीडियो में, होप गाइस आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।